नमस्कार, मैं हूं अरबाज शेख और आप देख रहे हैं एसआर लाइव निमाड़ न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नोगरा ट्रॉफी के रोचक मुकाबले शुरू, पहले दिन 5 मैच खेले गए। गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं शिकायत लेकर थाने पहुंची। महिलाओं और बच्चों से जुड़े कानून की कार्यशाला। फरवरी में ब्राह्मण समाज महेश्वर में एकत्रित हुए। अब खबरें विस्तार से। टॉस उछलते ही नवग्रह ट्रॉफी की दावेदारी शुरू, पहले दिन 5 मैच खेले गए। उद्घाटन मैच में बड़वानी हारी। खरगोन में 18 जनवरी से हॉकी का महासंग्राम नवग्रह ट्रॉफी के रूप में शुरू हुआ। 4 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर की ख्यातनाम हॉकी की 18 टीम जोर आजमाइश करेंगी। उद्घाटन मैच बड़वानी और टीकमगढ़ के बीच खेला गया। अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीकमगढ़ ने 3-0 से बढ़त बनाई और अगले राउंड में प्रवेश किया। उज्जैन ने होशंगाबाद को एवं इटारसी ने बालाघाट को हराया। उद्घाटन मैच के बाद दोपहर 2 बजे तक 2 मैच और खेले गए। दूसरा मैच उज्जैन और होशंगाबाद के बीच संपन्न हुआ, जिसमें उज्जैन ने बढ़त बनाई। तीसरा मैच इटारसी और बालाघाट के मध्य खेला गया। इटारसी के तेज तर्रार खिलाड़ियों ने 5-0 से एक तरफा जीत हासिल की। टूर्नामेंट का आगाज कर सांसद सुभाष पटेल, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, कसरावद विधायक सचिन यादव, पुलिस अधीक्षक डी कल्याण चक्रवर्ती, स्पर्धा एवं नगरपालिका अध्यक्ष विपिन गौर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर शुभकामनाएं दी। दोपहर बाद 2 महत्वपूर्ण मैच हुए। महाराष्ट्र पुलिस ने गोरखपुर पर 7 गोल दागे, नरसिंहपुर से खरगोन हारा। दर्शकों से भरे उत्कृष्ट मैदान पर खेली जा रही अखिल भारतीय नवग्रह ट्रॉफी में लंच के बाद दोपहर 3 बजे से चौथा और पांचवा मैच खेला गया। चौथा मैच खरगोन के दर्शकों के लिए निराशाजनक रहा। खेले गए मैच में मेजबान खरगोन टीम को नरसिंहपुर ने 2 गोल से शिकस्त दी। पांचवा मैच महाराष्ट्र पुलिस और गोरखपुर के बीच खेला गया। इस मैच में महाराष्ट्र पुलिस के सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल बनाते हुए गोरखपुर पर 7 गोल दागे। जवाब में गोरखपुर 2 गोल ही कर पाई। 19 जनवरी को 6 मैच खेले जाएंगे। ऑटो चालक की लापरवाही के कारण छात्राएं सीसी नहीं दे पाईं। आक्रोशित छात्राएं शिकायत लेकर थाने पहुंची। हमने जा रहे थे तो हमें है ना ऑटो वाले ने बिठाया नहीं और ज्यादा पैसे मांगे उनसे, हमने मना किया तो इतने में नगर सेवा आई और उसने नगर सेवा वाले को मना कर दिया और दादागिरी बताई। शहर से एक तरफ सुनसान में बनी गर्ल्स कॉलेज तक आने जाने वाले वाहनों का मामला एक बार फिर 18 जनवरी को सुर्खियों में आया, जब छात्राएं कॉलेज पहुंचने के बजाय एक ऑटो चालक की लापरवाही की शिकायत लेकर वाहनों में भरकर थाने पहुंची। कॉलेज की 3 छात्राओं ने आरोप लगाया कि ऑटो चालक की हठधर्मिता के कारण वे सीसी परीक्षा नहीं दे पाई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया। थाने में शिकायती पत्र TI को सौंपने के बाद छात्राओं ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर बावड़ी से कॉलेज तक बस चलाने की मांग का ज्ञापन सौंपा। एक ऑटो नंबर का है, उसमें लेनी है उनको, निम्बुक से वो जा रहे हैं तो उसमें रोल होना था, तो उसकी शिकायत करने आई थी, उसके खिलाफ मैं पार्टी भेज दी है, उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई करेंगे, उसका लाइसेंस भी निरस्त करवाने के लिए RTO को लिख देंगे। छात्राएं पैदल सफर करती हैं, गर्ल्स कॉलेज तक आवागमन में वाहन वृद्धि की मांग ठंडे बस्ते में। बावड़ी बस स्टैंड से खरगोन गर्ल्स कॉलेज तक का सफर आसान नहीं है। कभी भी ऑटो या नगर सेवा मिल जाए तो वो भी खचाखच भरे रहते हैं, जिसके चलते छात्राओं को सुनसान इलाके में लंबा पैदल सफर तय करना मजबूरी है। जाना पड़ता है। हाँ। कितनी दूर पड़ता है कॉलेज यहाँ से? 3-4 बावड़ी स्टेशन से। तो ये ऑटो वाले नगर में रहते हैं। ऑटो वाले नहीं बिठाते क्या? बिठाते हैं पर टाइम से नहीं भेजाते, टाइम हो जाता है। और ये जो नगर सेवा चल रही है वो भी आते ऑटो वालों से कभी कम सवारी होने की बात पर विवाद भी होते रहते हैं। इसी बात ने 18 जनवरी को तूल पकड़ लिया और छात्राओं ने ABVP के बैनर तले थाने जाकर शिकायत की। वाहनों की संख्या और उसमें वृद्धि पर SR लाइव ने प्राचार्य JP गोखले से चर्चा की। कॉलेज प्रबंधन की तरफ से हमने RTO विभाग को पत्र लिखा है और उसमें हमने मांग की छात्राओं को सुविधाजनक आवागमन हो सके, इसके लिए नगर सेवा की संख्या बढ़ाई जाए, इस प्रकार की मांग हमने मतलब जो है
पत्र के द्वारा जो है आरटीओ से की है। अभी देखा जाए तो कितनी नगर सेवाएं यहाँ से कॉलेज और इसके बीच में संचालित हो रही होती हैं? जब परीक्षा का मौसम रहता है उस समय जो है नगर सेवा की संख्या बढ़ा दी जाती है और रूटीन में मतलब दो तीन मतलब नगर सेवा मतलब जो है आती है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के रोकथाम पर कार्यशाला। कलेक्टोरेट के स्वामी विवेकानंद सभागृह में 18 जनवरी को महिला एवं बाल सशक्तिकरण विभाग एवं प्रयास एनजीओ द्वारा आयोजित कार्यशाला में हॉस्टल अधीक्षकों, बाल कल्याण समिति के सदस्यों एवं महिला सभा के मेंबरों को लैंगिक हिंसा, महिला एवं बच्चों से जुड़े कानूनों के साथ ही अन्य बातों के बारे में बताया। प्रयास संस्था भोपाल से आई इंदु जी ने कानूनों पर प्रकाश डाला। आपकी इच्छा से नहीं कि मेरा मन कर रहा है आज मेरे माँ बाप से मिलने का तो मैं जाऊं, या अति मुसीबत ना हो मतलब मरना मतलब हाँ बहुत ही कठिन स्थिति है माता पिता की तो जाना ही पड़ेगा, तब तक वो नहीं होता है। अधिकतर हो सकता है, मैं यहाँ पे किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कुछ पुरुष जो है काफी संवेदनशील होते हैं और काफी हद तक सपोर्ट करते हैं अपनी महिलाओं को। ब्राह्मण समाज का प्रदेश व्यापी सम्मेलन महेश्वर में होगा, बैठक में समाज के लोगों ने चर्चा की। पवित्र नगरी महेश्वर में होने वाले प्रदेश व्यापी सम्मेलन को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज खरगोन इकाई की बैठक संपन्न हुई। गायत्री मंदिर में हुई बैठक के दौरान फरवरी के दूसरे सप्ताह में होने वाले प्रदेश व्यापी सम्मेलन को लेकर समाजजनों ने आपस में चर्चा कर कार्य योजना की रूपरेखा तय की। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज हमारा जो 22 राज्यों में राज्यों में काम कर रहा है, मध्य प्रदेश में 22 जिलों में काम कर रहा है और हम लोग समाज को संगठित करके आगे बढ़ रहे हैं और सारे मध्य प्रदेश में पूरे में सभी लोग अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के इसमें काम कर रहे हैं। 18 जनवरी से खरगोन में हॉकी टूर्नामेंट नवग्रह ट्रॉफी का शुभारंभ हो चुका है, जिसका सीधा और हाईटेक प्रसारण खुशी वीडियो विजन द्वारा एसआर लाइव निमाड़ और विजन प्लस पर किया जा रहा है, जो 21 जनवरी तक चलेगा। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। वेदांश ट्रेवल्स नव वर्ष में आपको दे रहे हैं तीर्थ यात्रा करने का स्वर्णिम अवसर, जिसमें मां नर्मदा परिक्रमा, ओंकारेश्वर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर, द्वारका, अमरकंटक, चित्रकूट, पूर्व किराया 12,000 अब मात्र 10,000 में, यात्रा समय 20 से 25 दिन, प्रस्थान 26 फरवरी 2018, एक धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, पूर्व किराया 17,000 अब मात्र 15,000 में, यात्रा समय 22 से 25 दिन, प्रस्थान 12 अप्रैल 2018। यात्रा के दौरान प्रति रात्रि को भागवत कथा का रसपान होगा, साथ ही रात्रि में बस नहीं चलती है, जिससे आपकी यात्रा आरामदायक रहती है। तो आज ही अपनी सीट बुक करवाएं, इस छूट का फायदा उठाइए। वेदांश ट्रेवल्स, पंडा सचिन, मोबाइल नंबर 9479463370, 7999617573।